रविवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को राशन वितरित किया गया। राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकान पर हैंड वॉश और बाल्टी में पानी रखा गया था। हैंड वॉश करने के बाद ही अंगूठा लगवाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सरकारी की राशन के मुनीब अब्दुल लतीफ ने कहा, गिरीश भैया बाल्टी रखिए, हाँ बिंदु पांडे, संतोष पांडे आइए, यहाँ आइए। थोड़ा दूरी बना के रखिए आपको। हमारा नाम अब्दुल लतीफ़ है। गेहूं है और चावल है। एसीसी स्टोर धर्मशाला बाज़ार तुर्कमानपुर संस्था की दुकान है। इनकी विक्रेता मंजू देवी हैं, उनके मुनीब हम हैं। और पर यूनिट 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया जा रहा है। 5 यूनिट है तो 15 किलो गेहूं, 10 किलो चावल। और गेहूं का रेट 2 रुपया है, चावल का रेट 3 रुपया है। और दूरी बना करके कार्डधारकों को एक एक करके गल्ला दिया जा रहा है। दूरी बना करके 1 मीटर की दूरी बना करके कार्डधारकों को, लाभार्थियों को गल्ला दिया जा रहा है। हाथ धोने के लिए क्या व्यवस्था? हाथ धोने के लिए पानी है और क्या कहते सैनिटाइज़र है।